सबसे गुजारिश है कि मेरी ये नशा पीने वाले, गांजा मारने वाले चाकुआ कमरों में रख लेके फिर रहे। अब पिता टाइट करे बस से भी ये नस्ल को गांजा शराब कहाँ से मेरा मुझको नहीं मालूम साहब। आपसे गुजारिश है नशा और शराब पी के मेरे भाई के ऊपर जो अटैक करे, ये अटैक नहीं होना है नेक्स्ट टाइम। ये आप स्ट्रिक्टली वार्निंग करिए साहब, आपसे अपील कर रहा हूँ मैं कि गांजा नशा जो है उसको बंद कराइए साहब। कि गांजे नशे की चक्कर में अटैक हो रहे, जाना चल जा रहे साहब। साहब मेहनत करके जीना भी एक वो हो गया साहब, मेहनत करके जी ले रहे तो भी जीने नहीं दे रहे। ये नशा गांजा चरस गांजा उंजा पी के शराबा पी के रोड पे चाकुआ मार दे रहे, आज हमारे भाई को मारे कल किसी और को मारते। साहब आपसे गुजारिश है कि ये पूरा बंद करा दीजिए, आप सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, पूरा शराब गांजा चरस जो भी है आप पूरा बंद करा दीजिए नशे की हालत में। पहली बार मारे? जी हाँ, उससे पहले नशे की हालत में लग गया के मारे साहब। इससे पहले कंप्लेन कर रहे थे हम आसिफ नगर पीएस में भी, जब एक्शन लिए पुलिस वाले जबरदस्त एक्शन लिए थे, जब उसके बाद वार्निंग स्ट्रिक्टली वार्निंग दिए थे, फिर वो लिमिट में नहीं करे हरकत वो, फिर अब ये दूसरी लिमिट हुमायूं नगर पीएस लिमिट में आता है। ये हुमायूं नगर पीएस लिमिट में जैसो फिर अब ये करे, रात में आए चाकू मारे। हम गए थे हुमायूं नगर पीएस को, गए तो साहब बोले कि उस्मानिया हॉस्पिटल जाओ जाके आके बोलो, बोल के बोले थे साहब। साहब साहब भी अच्छा रिस्पॉन्स दिए हमको हुमायूं नगर के। चाकू से मारे साहब, चाकू से मारे, दो जने मिल के रहीम और अदनान मिल के मारे। हाँ है साहब, पुराने केसेस है उनके। ये अपील है कि गांजा शराब चरस जो भी नशे की चीज़ें हैं, आपसे कमिश्नर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बंद करा दीजिए ना, के जाना चल जा रहे साहब। इसके अंदर मेरे मासूम भाई को मार दिए, बहुत सीरियस कंडीशन है उसके, उस्मानिया हॉस्पिटल में है, उन्हें अब एडमिट है। 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे मारे, अब 5-6 बजने को आ रहे साहब, अभी तक हम लोग यहीं छे। आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए आप। नेक्स्ट टाइम मेरा भाई कमाने वाला है, कमा के जीने वाले है, तो जीने नहीं दे रहे साहब। नशा कर ले, कमरों में चाकू रख ले, कि जिसको बोले उनको मार दे रहे साहब। आप लोग इतना टाइट करे बात से, इतना स्ट्रिक्टली करे बात से भी फिर ये हो रहा साहब। आपसे गुजारिश है कि मेरी आप ये बंद करा दीजिए, आपकी मेहरबानी होंगी बहुत से बहुत। ना के जाना चल जा रहे साहब इसके अंदर। मेरा मासूम भाई जो है उसको एडमिट है, किसको बोलना साहब हम ना, बोलो आप लोग हैं, स्ट्रिक्टली वार्निंग करो साहब। आपसे गुजारिश है कमिश्नर साहब, खासकर कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि आप बहुत स्ट्रिक्टली वार्निंग कर दीजिए गांजा चरस नशे के लिए। मेरे बच्चे को 10 बजे सही कहा पे चाकू से मारे, और मेरा बच्चा को बहुत टेंशन में हो, 10:30 बजे मारे वो, अब तक 5 बजे, अब तक दवा सीधे रही एमरजेंसी में है, टाके लगे उसको, बहुत परेशान था। 7:30 8:10 बजे मारे तो 5 बजे सुबह। हाँ अब तक एमरजेंसी में थे, बच्चा परेशान है बहुत। अब कौन मारे नाम मालूम है? हाँ इससे पहले भी वो वही बच्चा दो खत, अब तक वही झगड़ दो खत मारा अब तक उन्हें। क्या नाम है बच्चे? अदनान नोनू, और एक रहीम करते रियाज। दोस्त है ये पहले से वो एक जगह जॉब करते लोग दोनों मिल के, वो शाही कबाब में। हाँ अदनान और उन्हों वो डरा है उसकी, इससे पहले भी लिया के गल्फ फट जाए, वो गल्फ गुलशन में लिया के बहुत मारे कंप्लेन दिया, नशा करा के मारे, गोलियां दिला के उसको। फिर लाखों वहाँ घाबर में सर लिया, तो मैं भी बोला जान दो अपने बच्चे को। आसिफ नगर में दिया था हम मालिंग स्ट्रिक्टली, बल्कि बेचारे पुलिस वाले कॉपरेट करके छोड़े थे, फिर आज ये हरकत कर दिया इन्हें। अगर हम जीना कैसा, ये बोल वो बच्चा जाप कर रहा तो मैं जीता हूँ, वो जाप करने वाला बच्चा है मेरा, वो बोले लिहाजा आप उसके ऊपर नजर रखना। वो अब किसको बोलना जाएगा, अल्लाह को बोल रहा, किसको बोल रहा, क्या करना, कानून क्या करता देखेंगे, इंसाफ होना हमारे को। अब कैसा करते करो, इससे पहले भी 2-3 वक्त कर दिया ऐसा हरकत ने, बहुत बुरी सीरियस कंडीशन है, होल पड़ा हुआ है उसको, 3-4 इंच का होल है, कमर में भी है शोल्डर में भी है, चाकू से मारे। बहुत अच्छा रिस्पांस करी, पकड़ती बोली पुलिस, अब आगे क्या करती है वो पुलिस को मालूम। हुमायूं नगर पीएस ऑनलाइन आए थे, दवाखाने को आए थे, दो जने थे वो, हाँ शराब पी के बाटाला फेंके करते पहले, आज के भागना फिर वो बच्चा बीच में आया तो बच्चे को भी ढकल दे मार दिए, मार के भाग गए लोग। खाली वजह मारने की वजह क्या है आपके? चोरी करे तो बारे बोल के फोन करे, चोरी बंधन लोग सही कहा आपने। इससे पहले ऐसी मास्टर टैंक भी ऐसी कराया जो ये आदमी, इससे पहले फिर गुलशन कॉलोनी में लिया के बच्चे को मारे,
तीसरा होगा तो ये बच्चा हरकत कर रहा है। चोरी कर रहे तो देख लिए हाँ सर। तो बोले कि स्कूल में चोरी कर रहे वो क्या है रफली में सुना हो बच्चा सीरियस है खुला वगैरह नहीं जो हुआ लोगों को जितनी हालत मालूम है तब हो रहा बच्चे को बात करने की तमीज नहीं इस वक्त बेहोशी की हालत में होने बच्चा जो होश में आया तो सही 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 बोल सकता पूरा पुलिस से गुजारिश है पुलिस सपोर्ट करे हमारी कॉम्प्लेंट करके और जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करे उसको सजा दो।